ये बालाजी का जैसा होता है ना, मैंने वो देख सकते हो आप लोग, बहुत बड़ा है ना वो है, और ये पूरा नाग ऐसा लिपटाया, काफी ज्यादा यूनिक है। कि और कहाँ जाने वाला ये पति जी जो है वो कुम्हार का रूप ली, और ये देख सकते हो आप लोग, ये भी काफी ज्यादा बड़ा सा है और बहुत ही सुंदर। वो ऐसा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये महाराष्ट्र के गोंदिया में जाने वाला। वेलकम टू माई चैनल अर्चू ब्लॉसम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिलहाल मैं आई हूँ राधे जी के यहाँ, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर और प्रीमियम मूर्ति बनती है और बहुत ही यूनिक मूर्तियाँ रहती है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप राधे जी के यहाँ का भी मूर्ति का वीडियो दिखाइए, तो मैं अभी वहीं आई हूँ आप लोगों के लिए ही। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाती हूँ सबसे पहले, तो फिर आगे अपन चलेंगे। तो आप लोग, ये है राधे जी के यहाँ का गोडाउन बोल सकते हैं आप लोग, और यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं अभी। ये है उनका मूर्ति बहुत सारा जो बना हुआ है अभी छोटा, और ये इनका गोडाउन है जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े और यूनिक यूनिक मूर्तियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये बालाजी का जैसा होता है ना, वैसे ही सेम यहाँ पर बनाया गया है। और इधर देख सकते हो आप लोग कि भैया लोग काम कर ही रहे हैं, बना ही रहे हैं। और ये मुझे दुर्गा जी की मूर्ति लग रही है, भैया दुर्गा जी का है ना ये? ये देख सकते हैं आप लोग, ये दुर्गा जी की मूर्ति है, और यहाँ पर गणेश जी है। काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और बारीक काम भी किया जा रहा है पीछे में, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि माता बैठी हुई हैं, और ये देख सकते हो यार, ये मतलब मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ का शायद सबसे बड़ा लग रहा है मेरे को, क्योंकि उसका जो पीछे का जो एक पोर्शन है वो देख सकते हो आप लोग, बहुत बड़ा है वो। और ये 20 फीट की मूर्ति है, भैया बता रहे हैं 20 फीट की मूर्ति। और ये कहाँ जाने वाला भैया? ये राजनांदगांव जाने वाला है। तो जितने भी राजनांदगांव के, देख लो भाई, इतना भव्य वाला गणेश जी आपके शहर में आने वाला है। और कितना रेट कितना होगा भैया इसका? तो ये 20 फीट की मूर्ति जो राजनांदगांव जाने वाली है, इसका रेट है 1,75,000। तो ये देख सकते हो। और भैया इसका वेट कितना होगा, कितने किलो का होगा ये? हाँ, और कितने लोग उठा पाते होंगे इसको? 35 लोग का टीम रहता है, लेकिन हाँ। तो ये देख सकते हो, इसको बनाना भी मुश्किल है, इनको उठाना भी मुश्किल है। तो ये देख सकते हो आप लोग, काफी ज्यादा बड़ा है। और ये वाला मूर्ति कितने दिन से बना रहे हो भैया? 16 दिन से बन रहा है, और 30 अगस्त तक के चलेगा। 30 अगस्त तक के चलेगा, तो जब पेंट होगा तो भी हम आपको दिखाएंगे कि पेंट होने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा ही। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो हमारी काली माता, ये मुझे सीमेंट की लग रही हैं। तो ये देख सकते हो, और वहाँ पर भी एक बड़े से गणेश जी है, एक मिनट में आप लोगों को दिखा देती हूँ अभी। ये भी काफ़ी बड़े हैं, वो उनका पीछे का पोर्शन अभी बचा हुआ है, इसलिए थोड़े से छोटे लग रहे हैं सामने वाले से। बट ये भी जब पूरा पीछे का बनेगा ना, तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। ये देख सकते हो, मोतीचूर का लड्डू उन्होंने पकड़ा हुआ है, और ये पूरा नाग ऐसा लिपटाया हुआ है, ये देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये भी 20 फीट का है क्या भैया? अच्छा, ये 19 फीट का है। बाप रे, भैया लोग एकदम एग्जैक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, काफी ज्यादा यूनिक है। ये मोर में बैठे हुए हैं, सामने में कौन बैठे हुए हैं भैया? ये हाँ, कार्तिकेय बैठे हुए हैं, गणेश जी के बड़े भाई, देख सकते हो आप लोग। देख सकते हो ये वाला यूनिक सा मूर्ति, मोर में बैठे हुए हैं कार्तिक जी, कार्तिकेय जो हमारे गणपति जी के बड़े भाई हैं, और ये है हमारे गणेश जी, और राधे जी ही बना रहे हैं इनको, जो जिनका ये है जगह वही बना रहे हैं इसको। भैया ये कितने का होगा मूर्ति, और कहाँ जाने वाला ये? तो ये आप लोग देख सकते हो कि हमारे दुर्ग की मूर्तियाँ जो है रायपुर तो जाती हैं, बाहर भी जाती हैं, बट रायपुर में भी जा रही है ये वाली मूर्ति, और बहुत ही यूनिक है ये। मैं बहुत सारे जगह का वीडियो बना चुकी हूँ, बट ये वाला मूर्ति मुझे कहीं नहीं दिखा। और देख सकते हो आप लोग, ये वाला देख सकते हो आप लोग, ये भी थोड़ा यूनिक ही लग रहा है, अभी बना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये किस टाइप का बना है भैया, ये किनका वो बना हुआ है ये कुछ? ये कुम्हार का रूप है। अच्छा,
तो हाँ, अच्छा तो ये आप लोग देख सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा अलग है, यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे गणपति जी जो हैं वो कुम्हार का रूप लिए हुए हैं। अभी सामने में घड़ा भी रखा जाएगा कुछ दिनों बाद, तो ये अभी अधूरा है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। और ये देख सकते हो आप लोग, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा है और बहुत ही सुंदर सा है। 19 से 20 फीट की मूर्तियाँ आप लोगों को मिलेंगी यहाँ पर। और ये देख सकते हो आप लोग, ये राधे कृष्ण जी बने हुए हैं यहाँ पर। और ये वाले गणपति जी देखिए, बहुत ही यूनिक और अलग से दिख रहा है। इनका जो फेस है ना, वो ऐसा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये वाले गणपति जी जो हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो पेंट होने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगेगा, ब्लू कलर का है, बहुत ही अच्छा दिखने वाला है ये। ये देख सकते हो आप लोग, ये कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। वहाँ पर भी एक, अभी वहाँ पर तो दुर्गा माता है मेरे ख्याल से, और ये जो है भैया अभी काम ही कर रहे हैं इस पर। और चलते हैं हम इधर, और ये वाले गणपति जी देखिए भैया, ये कितने फीट का होगा ये भी? 15? यार ये भी मेरे को काफ़ी बड़ा लग रहा है, बहुत ही बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर। और इसमें भी काम चल ही रहा है अभी। ये कहाँ जाने वाला पता है क्या भैया आपको? हाँ, तो ये देख सकते हो, ये महाराष्ट्र के गोंदिया में जाने वाला है। तो हमारी मूर्तियाँ जो है कहाँ कहाँ जाती है, रायपुर तो जाती हैं, आउट ऑफ छत्तीसगढ़ भी जाती हैं। तो ये जाने वाला है गोंदिया। ये देख सकते हो आप लोग, ये कुछ ऐसा बनने वाला है, अभी तो बना नहीं है, है ना। ये वाले गणपति जी हैं अभी, तो अभी तो काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, तो अभी कलर में तो थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देख सकते हो शिव जी है, पार्वती जी हैं, और ये है हमारे गणपति जी हैं और कार्तिकेय जी हैं। तो ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये हमारे बड़े से गणपति जी हैं, ये मेरे को थोड़ा सा पुराना लग रहा है, शायद पिछले साल का हो सकता है। और ये तो दुर्गा माता जी की मूर्तियाँ। आप लोग देख सकते हो ये भी काफी ज्यादा बड़े हैं और काफी ज्यादा यूनिक है। तो गाइस, आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को कोई भी ऑर्डर करना है तो आप लोग यहाँ आके, या इनका नंबर मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इनको कॉन्टेक्ट करके आप लोग ऑर्डर भी दे सकते हो और यहाँ आके आप लोग देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।